नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 26 साल बाद अमेठी के संसद का यहां स्थानीय ठिकाना हो गया है। स्मृति रानी का जनता से किया गया वादा पूरा हो गया। गोरीगंज के मेदन मवई गांव में स्मृति रानी ने अपनी निजी आवास में विधि विधान के साथ पति जुबिन रानी के साथ पूजा पाठ कर गृह प्रवेश किया। स्मृति रानी ने अमेठी में घर बनाकर कांग्रेस और राहुल को बड़ा संदेश दिया कि वो अब यहीं टिक कर रहेंगे। दरअसल 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी से अमेठी में मुकाबला कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी ने गांधी परिवार के अमेठी में कोई स्थानीय ठिकाना न होने की बात उठाई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह वादा किया था कि यदि अमेठी की जनता उन्हें संसद चुनती है तो वे यही घर बनवाएंगी। अपने इस वायदे पर अमल करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी ने 22 फरवरी 2021 को गौरीगंज तहसील क्षेत्र के मेदन मवई गांव में 11 विश्व जमीन आवास के लिए खरीदी थी। 29 जुलाई 2021 को स्मृति रानी के पुत्र जौहर रानी ने यहां पर विधिवत भूमि पूजन कर आवास की आधारशिला रखी थी। आवास का निर्माण शुरू होने के साथ ही स्मृति रानी अपने यहां पर कई कार्यक्रम आयोजित की। उनके द्वारा खिचड़ी भोज, होली मिलन, एक दिवसीय राम कथा के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भोज और कार सेवकों का सम्मान कार्यक्रम इसी आवास पर आयोजित किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, तो यहाँ पर स्मृति रानी जो है जनता के बीच में जनता को साधने की कोशिश यहाँ कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार स्मृति रानी को लोकसभा का टिकट मिलेगा भी या नहीं, ये सवाल इस वक्त बनकर उभर रहा है। क्योंकि यहाँ पर चर्चा ये है कि स्मृति रानी का इस बार टिकट कट सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आप हमारे स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे कि जिसमें स्मृति रानी यहाँ पर गृह प्रवेश कर रही है, साथ ही साथ जनता को साधने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार स्मृति रानी के बारे में सोचती नजर आएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बन रहा है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।